हेलो गाइस, स्वागत है आपके नए ब्लॉग के अंदर। जैसे कि आप थंबनेल देख कर आ चुके हो मेरी वीडियो के अंदर, तो हाँ हम कर रहे हैं आज बाइक का स्पॉकेट चेंज, क्योंकि बाइक जो है चलते में बहुत झटके कर रही थी। तो मैंने एक दिन चेक किया बाइक में दिक्कत क्या आ गई, कि बाइक झटके कर रही, हो सकता है कि बाइक में दिक्कत हो सकती है। पर जब चेक करा तो फ्रंट स्पॉकेट जो पूरा, जो उसके पॉइंट होते हैं मैं आपको दिखाऊंगा, जो इधर टूट गए थे। तो दोस्तों, अगर आपके भी टूट गए हैं तो आपको ज़रूरत है चेंज करने की, क्योंकि उससे पिकअप में बहुत बड़ा अंतर आता है। तो देखते रहिए कैसे मैंने स्पॉकेट चेंज किया और उसके अंदर क्या 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 दिक्कतें निकली अंदर स्पॉकेट के, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो बाइक हमारी हो रही है स्टार्ट और ये बहुत ही गंदी हो गई है। इसको जब तक ये अपने माइक्रोफाइबर क्लॉथ से जो है ना साफ़ कर लेता हूँ, जल्दी से अच्छे से, जल्दी से फटाफट से साफ़ कर लेता हूँ। इसको लेके चलते हैं और इसका जो है ना स्पॉकेट आज चेंज करवाते हैं फ्रंट वाला। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर है हमारा जो है ना इसका फ्रंट स्पॉकेट। पीछे का चेन सेट जो है ना मेरा बिल्कुल सही है, चेन भी सही है इसका, जो ये है ना स्पॉकेट, इसका जो है दिक्कत। तो चलिए लेके चलते जल्दी से। तो ये हमारा फ्रंट स्पॉकेट खुल चुका, तो मैं दिखाता हूँ दोस्तों। देख सकते हो पूरा पूरा इसके है ना जो नॉक जो होते हैं पूरी टूट चुके हैं बिल्कुल। हमारा फ्रंट का स्पॉकेट जो है बिल्कुल डेड हो चुका है। ये रहा जो हम इसमें डालने वाले, ये देख सकते हो स्पॉकेट है पूरा ही हमारा जो है ना खत्म हो चुका है। हमने अपना जो है ना फ्रंट का आई का बोल्ट खोल लिया। जल्दी से हम अपने जो स्पॉकेट को है ना इसको जल्दी से उतार लेता हूँ और मैं उतार आपको दिखाता हूँ कि कंडीशन कैसी है। तो ये मैंने अपना फ्रंट स्पॉकेट खोल लिया, देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, बिल्कुल डेड हो चुका है जिस नक के। और ये हमारा ओरिजिनल स्पॉकेट है, नो कर लेंगे इस पर अंदर सब कुछ खाते एस एन टी, बिल्कुल ब्रांडिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। स्पॉकेट पूरा ही घिस चुका है ये। और मैं आपको दिखाता हूँ जो हम लगाने वाले हैं इसके अंदर स्पॉकेट, ये है जो हम लगाने वाले हैं। तो दोनों की आप कंडीशन देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अंतर है। ये भी मैंने एक बाइक में निकाल हुआ है कॉमेट के अंदर से, ये स्पॉकेट जो मैंने है ना निकाला हुआ है, मेरे को मिल नहीं रहा था तो मैंने ये जो है ना स्पॉकेट निकाला है। और ये अब दोनों में डिफरेंस जो है ना साफ देख सकते हो कितना अंतर, दोनों ही ओरिजिनल है। ये देख सकते हो स्पॉकेट, ये पूरा मैंने साफ कर दे सकते हो, पूरा ओरिजिनल है, एस एन टी की ब्रांडिंग है, जो आपकी हमारी बाइक है जी टी आर का साफ साफ लिखा होता है पूरे कोड 15 520 में चेन आती है। और ये स्पॉकेट जो है ना वो रिटायर हो चुका है, बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और ये वाला जो उसका है स्पॉकेट, ये वाला स्पॉकेट जो है ना हम इसके अंदर डालने वाले हैं। एक कॉमेट का स्पॉकेट है, ओरिजिनल स्पॉकेट है बाइक में से निकाला हुआ। ये बाइक शायद 4000 चली हुई थी, उसमें कोई दिक्कत आ गई थी तो ख़राब हो गई थी, तो उसके अंदर से मैंने निकाल लिया स्पॉकेट जो है ना। और ये वाला स्पॉकेट जो है बिल्कुल साफ कंडीशन का स्पॉकेट है, हम इसके अंदर आसानी से जो है ना इसको लगा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो ये हमने पूरा जो है ना स्पॉकेट जो पूरा खोल लिया है, और इसके अंदर से ऑयल जो है ना लीकेज हो रहा था, तो हमने इसके अंदर भी जो है ना अच्छे से रबड़ जो है ना लगा दी है ताकि उसकी ऑयल लीकेज बंद हो जाए। तो हमारा पीछे का स्पॉकेट तो बिल्कुल सही है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारी चेन बिल्कुल ओके है। स्पॉकेट हमारा जो है ना अभी और चलेगा, तो हमें भी ये पीछे का स्पॉकेट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्रंट का स्पॉकेट चेंज करने की ज़रूरत है। और ये हमारा जो है ना बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, तो उसको लगाने का तो एक मन नहीं मिलता। ये वाला स्पॉकेट जो है ना अब इसी को जो है ना इसके अंदर आराम से लगाने वाले हैं। तो ये भैया इसकी एकदम क्लीन कर रहे हैं ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए, क्योंकि चलने में जो नॉइस वगैरह आती है वो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। दोस्तों जब भी स्पॉकेट चेंज कराओ इस चीज़ को पेट्रोल डीजल से एकदम अच्छे से क्लीन करवा लें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो हमारा स्पॉकेट जो है ना बिल्कुल लग चुका है भैया, ये हमारे होटल लगा रहे हैं, स्पॉकेट बिल्कुल आराम से लग चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए मैं आपको बाइक जो है ना दिखाता हूँ। दोस्तों हमारी बाइक हो चुकी है डन, चलते हैं अपने घर। बाइक जो है ना घर चल के वॉश करते हैं, बाइक एकदम ओके जो है ना हो चुकी है। तो दोस्तों कैसा लगा ब्लॉग, लाइक करना मत भूलना, बाय।